नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, हमारे वेट को मैनेज करके रखती है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखती है, साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन और बोन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। महिलाओं में पीरियड्स और प्रेगनेंसी में ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, साथ ही ये हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो ऐसे में थायराइड ग्लैंड की हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है और हमें सलाह दी जाती है कि थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी डाइट में कुछ ऐसे आहार को शामिल करें जो थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रीशन है उसमें हेल्प करें, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करें, या थायराइड ग्लैंड से जो हमें प्रॉब्लम हो जाती है उसके जो सिम्टम्स हो जाते हैं उनको कम करने में हेल्प करें। तो ऐसा ही एक फूड है, एक आहार है, एक फ्रूट है, नारियल। आप सभी ने सुना होगा नारियल थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं ये कैसे रहता है हेल्पफुल आपकी थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए। नारियल में MCTs यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड रहते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और ये थायराइड ग्लैंड को ठीक तरीके से काम करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ नारियल में रहती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड से होने वाली जो स्वेलिंग रहती है, साथ ही साथ जो पेन रहता है बॉडी में, उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण रहते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, कैंसर और अर्थराइटिस। साथ ही साथ ये हमारी थायराइड ग्लैंड के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो नारियल का तेल और नारियल का पानी है, ये हमारे शरीर के लिए नेचुरल एनर्जी सोर्स का काम करता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड को एक फ्रेशनेस देता है, एक एनर्जी देता है, जिससे जो थायराइड पेशेंट को थायराइड ग्लैंड की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, उसके ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होने की वजह से थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो दूर होने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही नारियल के तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ ये हार्मोन बैलेंस का भी काम करता है, यानी जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं T3 और T4, इनके प्रोडक्शन को बैलेंस में रखता है, इनके प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखता है। साथ ही थायराइड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव रखता है, यानी हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बेहतर बनाता है, जिससे थायराइड ग्लैंड में अक्सर आपने सुना होगा जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही नारियल में मौजूद न्यूट्रिशंस और मिनरल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जिससे थायराइड के जो पेशेंट हैं उन्हें बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हमें इसे अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसे आप चटनी के रूप में भी ले सकते हैं या आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। आप डेली 2 से 3 नारियल पानी का सेवन आराम से कर सकते हैं, या फिर आप जो नारियल का तेल है उससे जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जो खाना बनाते हैं उसमें अगर आप सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करें, वो काफ़ी हद तक आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बेहतर होगा। साथ ही अगर आप रात में सोने चलते हैं और आपको डेली दूध पीने की आदत है, तो आप नारियल का दूध भी ले सकते हैं। ये भी आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।